डॉलर इंडेक्स में नरमी और दुनिया भर में बढ़ते कोविड मामलों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या गोल्ड के दाम फिर से बढ़ेंगे। क्या इक्विटी की तरह सोना आपको मालामाल करेगा। पिछले एक साल से शेयर बाजार ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमें सोने में अपने निवेश को बढ़ा देना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रही हो तब सोने में निवेश करना चाहिए। हालांकि जानकारों का कहना है कि गोल्ड के भाव में आई तेजी की वजह कोविड की अनिश्चितता है, साथ ही अमेरिका में अगले साल मंदी की आशंका है। हालांकि बाजार के जानकार कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम 54,000 से 55,000 के बीच ही रहेंगे। अभी सोने में इतनी तेजी नहीं दिख रही है जिससे कहा जाए कि सोना 60,000 के स्तर को छुएगा, लेकिन अगर आप हेजिंग के तौर पर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका में अभी ब्याज दरें ऊपर रहने का अनुमान है और इसकी वजह है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती। फेड किसी भी तरह ब्याज दरों को कम करने के मूड में नहीं है। वैसे भी परंपरागत निवेशक कहते रहे हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए और इसके लिए सोने में निवेश बेहतरीन विकल्प होता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।